एक वक्त था जब चीन की सरकार दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने से परेशान थी। हालांकि चीन अब भी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन चीन में अब जिस तरह जन्मदर में लगातार गिरावट आने लगी है, उससे वहां के हुक्मरान चिंतित हैं। दरअसल चीन में नवजात शिशुओं की संख्या में 15% की गिरावट देखने को मिली है। चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के मुताबिक साल 2020 में देश में 1 करोड़ बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 52.7% लड़के और 47.3% लड़कियां हैं। ये आंकड़े एक साल के पहले के मुकाबले 15% कम है। हालांकि इसकी वजह कोरोना महामारी और उससे पैदा होने वाले हालात को माना जा रहा है। जानकारों के माने तो लोग आर्थिक अस्थिरता के माहौल में परिवार बढ़ाने से पहले बहुत सोच विचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय का कहना है कि साल 2019 में चीन में 1.1 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ था, लेकिन पिछले साल इनकी संख्या काफी कम रही। उधर चीन में घटती जन्मदर को लेकर सरकार के साथ साथ अब वहां के लोग भी देश की घटती जन्मदर को लेकर चिंतित हैं। इसको लेकर चीन सोशल मीडिया पर अभियान भी चल रहा है, जिसका मकसद चीन को कम जन्मदर के जाल से मुक्त कराना है। इस अभियान को लेकर करीब 12 करोड़ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों ने तो इसे चीनी राष्ट्र के सामने मौजूद सबसे बड़ा संकट करार दिया है। कुछ लोग घटते जन्मदर की वजह रोजमर्रा की जरूरतों पर बढ़ते खर्च को मानते हैं, जबकि कुछ के मुताबिक ये लोगों की सोच में आ रहा बदलाव की वजह है। बीते कुछ सालों में चीनी जोड़े स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रहन सहन पर बढ़ते खर्च को देखते हुए बच्चे पैदा करने का फैसला बहुत सोच समझ कर ले रहे हैं। आपको बता दें कि चीन ने 1970 के दशक में जनसंख्या को नाटकीय रूप से कम करने के लिए एक बच्चे की नीति लागू की थी, लेकिन देश की तेजी से बूढ़ी होती आबादी को देखते हुए साल 2016 में इस नीति को छोड़ दिया है। बावजूद इसके जन्म दर में उम्मीद के मुताबिक इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। जाहिर है कि जन्म दर में आ रही कमी आगे चलकर चीन के श्रम बाजार के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी असर होगा, और यही वजह है कि चीनी सरकार अपने यहां घट रहे जन्म दर को लेकर परेशान है। रिपोर्ट।